महिंद्रा XUV300 के फेसलिफ्टेड मॉडल को एक बार फिर से रोड टेस्ट करते हुए स्पाई कर लिया गया, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप XUV300 और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 23 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप XUV300 फेसलिफ्ट के फ्रंट एंड को देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली एक टॉप एंड वेरिएंट था जिसमें हेडलैम्प फिट नहीं थी, जिससे ये पता चलता है कि महिंद्रा नई XUV300 की हेडलैम्प में चेंजेस करने वाली है। और एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो महिंद्रा इस SUV में हमें फर्स्ट इन सेगमेंट पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर कर सकती है, जो कि इसके और इसके एक ऊपर सेगमेंट की SUVs की सेल्स में डेंट डाल सकेगी। बाकी इस टेस्टिंग वेरिएंट में मेकशिफ्ट हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स फिटेड थे और शायद से 360 डिग्री पार्किंग कैमरास भी। एलॉय व्हील की कवरिंग से तो यही लगता है कि 16 इंचेस के अलॉयज महिंद्रा इसमें ऑफर करेगी, पर अगर इसमें 17 इंचेस के अलॉयज ऑफर किए जाएं तो वो इस SUV में ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो ये तो होगी 23 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट की स्पाइड इमेज की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इस नई XUV300 में हमें 3 इंजन के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिनमें से एक है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 110 PS की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स ही मिलेगा। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पीक पावर और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तीसरा इंजन है 1.2 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 130 PS की पीक पावर और 230 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन इंजन्स के अलावा इसको CNG और ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये तो होगी 23 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई XUV300 में हमें फुल LED हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, LED फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, 16 इंच और 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, LED टेल लाइट्स, डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक IRVM, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कूल ग्लव बॉक्सेस, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेड सीट्स, लेदर आर स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एयर प्योरीफायर, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में इस SUV में हमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरास, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स और हाई स्पीड एलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 23 XUV300 फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और लॉन्च की बात करते हैं। महिंद्रा इस SUV को 8.4 लाख से 15 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के एंड में या फिर अर्ली 2024 में है। और लॉन्च होने के बाद ये टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और निसान मैग्नाइट जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी।
तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2023 महिंद्रा XUV 3WO फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।